अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जब हम अपने अपने कंट्री में होते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अरमान हमारे दिलों में होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि हम उनको ख़रीद सकें। उनमें से एक है आईफोन। आईफोन का जो क्रेज़ है वो मेरी तरह और कई लोगों को होता है कि यार आईफोन होना चाहिए और जितना लेटेस्ट मॉडल हो वो होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैं पाकिस्तान में था तो सबसे पहला जो मेरा आईफोन था वो मैंने आईफोन 6 लिया था, और उससे मैं अपग्रेड करते 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 मैं 11 प्रो पे आया था पाकिस्तान के अंदर। जब मेरे पास 7 था तो मैं यही कहता था, पहले एक्स आया मैंने बोला मैंने एक्स लेना है, उसके बाद 1 साल बाद 11 प्रो आ गया, मैंने कहा नहीं एक्स नहीं 11 प्रो लेना है, फिर मैंने कहा नहीं 12 प्रो लेना है, यानी डायरेक्टली 7 से 12 प्रो। तो लेकिन वो नहीं था लेने होता, एकदम से जो छलांग है इतनी बड़ी नहीं थी लगती। तो फिर वो आज तक अपग्रेड करते करते पहले 7 लिया, फिर 8 लिया, फिर एक्स लिया, फिर 11 प्रो लिया। तो वो ही मैं मोबाइल इधर साथ लेके आ गया अपने साथ यूके में। तो इधर आने के बाद भी यार सबसे पहले लोग इधर आके क्या करते हैं कि आईफोन लेते हैं कि भाई आईफोन होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। आते सार ही वो पहले अपनी सिम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट का ये फिर फ़ायदा होता है आपको कि 6 मंथ बाद आप इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ले लेते हैं। इधर इंस्टॉलमेंट का फिर इतना ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता। एक मंथ के बाद जो है आपने तकरीबन 60-70-80 पाउंड जो है वो देने होते हैं, तो वो आप इजीली देते रहते हैं। 2 साल के लिए मोबाइल जो है वो आपको मिल जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे ही करते हैं, इधर आके इस तरह किस्तों पर मोबाइल ले लेते हैं। मैंने आगे इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल नहीं था लिया रिसेंटली, मैंने जो है वो तकरीबन 2 मंथ पहले 14 प्रो लिया था, तो वो मैंने भेज दिया पाकिस्तान, और यही फिर मैं यूज़ करने लग गया जो मेरे पास 11 प्रो था। लेकिन आज जो है आपके भाई ने लिया है भाई 15 प्रो मैक्स। कल रात को ही ये मोबाइल मुझे रिसीव हुआ है क्योंकि इसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, खासतौर 15 प्रो मैक्स टाइटेनियम कलर की, तो जो है नहीं था मेरा। 2-2 मंथ की जो है वो पहले बुकिंग हो रही होती है, तो मैंने भी कह लें कि जल्दी मेरी बुकिंग हो गई, और जिस तरह बुकिंग होते हैं उनके थ्रू मुझे जल्दी मिल गया। तो मैंने सोचा कि यार आपके साथ भी जो अपनी ये छोटी सी खुशी है वो शेयर करूं कि फर्स्ट लुक जो है वो मोबाइल की कैसी रहती है। पहली ज़िंदगी की मेरी जो है वो अनबॉक्सिंग है। जो मैंने 14 प्रो लिया था वो भी लिया था, न्यू था, लेकिन अनबॉक्सिंग वो किसी और ने कर ली थी तो मुझे वो फीलिंग नहीं थी आई। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली अनबॉक्सिंग है इतनी महंगी जिसकी मैं करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। चले ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो चेक करते हैं कि कैसा रहता है कि भाई मोबाइल आईफोन 15 प्रो मैक्स। पहले पसंद जो है वो मुझे 15 प्रो है क्योंकि वो हैंडी मोबाइल है, कंफर्टेबल होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्रो मैक्स लिया है बैटरी की वजह के, बैटरी टाइम की वजह से। जो प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी पूरा दिन आप इजीली चला सकते हैं, लेकिन जो प्रो है उसकी बैटरी जो है वो छोटी है, तो काफ़ी सारा फ़र्क है। क्योंकि मैंने वीडियो देखी है, लड़कों से पूछा है, तो प्रो मैक्स जो है वो लोगों ने रिकमेंड किया, तो मैंने सोचा चलो इस दफ़ा ये लेते हैं। चले यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई तीर का निशान बना हुआ है, बोला इन्होंने कि भाई इधर से जो है इसको पकड़ के, तो पकड़ के पकड़ के पकड़ के ऐसे करना है, ये चेक करें, और इसको भी इधर से पकड़ के नीचे से ऐसे कर देना है। तो ले जी ले जी ले जी टना, ये चेक करें जी, ये और ये चेक करें जी, आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम, जो कि बहुत ही फेमस कलर है, जिसकी वजह से जो इसकी शॉर्टेज हुई है इसी कलर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो कलर हैं बहुत इजीली मिल रहे हैं, इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो चलो यार चेक करते हैं, ये चेक करें, थोड़ी ना टेक की फीलिंग आ रही है, जैसे मैं कोई टेक वीडियो बनाता हूँ, पहले तो मैं वो बना रहा हूँ। तो बाकी ये चेक करें अंदर, वही ये कुछ होते हैं मतलब स्टिकर जिसके होते हैं, ये तो पिन सिम इजेक्टर है। इसके अलावा ये एप्पल का स्टिकर, पहले कभी दो आया करते थे मैं देखता होता था वीडियो में, तो अभी इन्होंने एक डाल दिया भाई, चवले मारना शुरू कर दिया एप्पल वन ने। पहले जो है वो चार्जर रिमूव, उसका जो अडाप्टर है वो रिमूव किया, फिर एप्पल का स्टिकर कम कर रहे हैं, बॉक्स बिल्कुल छोटा कर दिया, पहले बॉक्स उनका इतना बड़ा हुआ करता था। तो ये भाई केबल चेक करें, पहले वो जो होती थी केबल वो दूसरी होती थी फाइबर की, फाइबर यहाँ क्या उसको कहते हैं, अभी ये दूसरी आ गई है, चेक करें ब्लेड नहीं है इसको क्या कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कौन सा इस तरह की वीडियोज बनाता हूँ। इसके अलावा बॉक्स भाई खाली है,
कुछ भी नहीं है पावर के अंदर, ये है अडाप्टर जो है ये मैंने खुद जाके 20 पाउंड का अलहदा से लिया है जो चार्जिंग के लिए। तो चलें ये तो चलो चीज़ें इसमें हैं, ये सब कुछ हो गया। मेन चीज़ तो है भाई ये इसको जो है अभी थोड़ा 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 ये चेक करें। आए हाय 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 आए हाय हाय ओए यकीन करें कि थोड़ी सी फीलिंग अलग से आ रही है मुझे। ये आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली निकल रही है, मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं निकाल रहा। अभी इसको करते हैं ऑन। चेंजिंग जो है पहले मतलब ये जो थी पहले जो 14 प्रो था जो मेरे पास था वो बिल्कुल जो है एजी उसके बिल्कुल स्ट्रेट से, अभी जो एजी थे हमने थोड़े से कर्व कर दिए हैं। जिन लोगों ने ले लिया, मैं तो अभी बड़ी लेट अनबॉक्सिंग ऐसे कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये जो है एक्शन बटन पहले आ गया है, इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपने कैमरा निकालना है या क्या चीज़ करनी है। तो बाकी जो है टाइटेनियम है, पहले जो है वो आता था ग्लास, अभी जो हमने टाइटेनियम लगा दिए, काफ़ी हल्का वेट हो गया है। कैमरा बम जो है वो ऐसे ही बड़े बड़े हैं जिस तरह वाले 14 प्रो मैक्स के थे, तो है अच्छा है। और सबसे बड़ी चेंजिंग सी पोर्ट आ गया इसमें, पहले लाइटनिंग था अभी सी पोर्ट उन्होंने निकाल दिया। चलो साथ साथ मैं ऑन भी कर रहा हूँ। तो ये भाई एप्पल का लोगो आ गया है एप्पल, अभी इसको मैं ऑन करूँगा। सेटिंग इसकी सारी बात है करने वाली है, जो मेरे इस मोबाइल में डाटा जो कि मैं जिसमें वीडियो बना रहा हूँ ये देखेंगे हेलो हेलो, और इसमें से डाटा निकाल के सारी बात मैं इसमें करूँगा। वो जो मेरा मोबाइल है असल में मेरा मोबाइल का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 512 GB मेरा मोबाइल है जिसमें सिर्फ 50-60 GB बची हुई है, बाकी सारा मेरा मोबाइल फुल है। तो लेकिन वो भी अपने पास में रखने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने 256 लिया है, 512 भाई 200 पाउंड महंगा था, ये 1200 का वो 1400 का था। तो मैंने बोला यार चलो ये भी अपने पास रख लेता हूँ, या होता ये मैं उसको भी सेल करके 200 पाउंड वो भी ऐड करता, 1400 का ये ले लेता। फिर मैंने कहा नहीं वो भी अपने पास रखता हूँ ये भी अपने पास रखता हूँ, दोनों चलाते हैं। तो अभी जो है सेटिंग इसकी करने वाली है, तो करने के बाद फिर चलाऊंगा। तो नेक्स्ट जो सारी बात है वीडियोज हैं वो इसी में बनाऊंगा, थोड़े फीलिंग आएंगी शशके आएंगे। तो यार मेरा दिल है वीडियो को इधर ही एंड कर दूँ। आपने वीडियो तो वैसे बहुत सारे देखी होंगी लेकिन मेरी जो एक एक्साइटमेंट थी मैंने वो सारी बात शेयर करनी ही करनी थी। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, छोटी सी खुशी अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।